हेलो दोस्तों, क्रिसमस आते ही हमारा मन करता है कि हमें कुछ अच्छा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ बनने वाला प्लम केक मिले। तो चलिए आज हम आपके लिए ले आए हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनने वाला ये प्लम केक। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और साथ में मेरे चैनल रसोई आपकी को सब्सक्राइब करना और कोशिश करिए कि ज़रूर से ज़रूर इस केक को आप घर में ट्राई करें, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो चलिए मिलके हम और आप बनाते हैं ये प्लम केक। तो सबसे पहले गैस पे नमक गरम करने के लिए हमने रख दिया है और इसके बाद हम लेंगे 100 ग्राम दूध, ये हल्का गुनगुना गरम दूध है। और इसके बाद इसमें लेंगे हम 3 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून विनेगर और 100 ग्राम पिसी हुई चीनी। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम विस्क की मदद से अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद 240 ग्राम इस कप के हिसाब से नाप के हमने मैदा लिया है, इसमें ये भी इसमें हम छान लेंगे। और इसके बाद लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून और बहुत थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट लेंगे चुटकी भर का। इसके बाद इसमें हम लेंगे 3 टेबल स्पून, इसमें हम कोकोआ पाउडर लेंगे, ये छोटा स्पून है तो हम भर के लेंगे और सारी चीजों को अच्छी तरह से हम पहले मिला लेंगे बढ़िया से। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे। तो ये देखिए ये हमारा केक का बैटर एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। देखिए इस तरीके से हम सबसे पहले बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर तैयार हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 इसके बाद इसमें हम मिक्स कर लेंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, इसमें किशमिश, काजू, बादाम और वॉलनट है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले अच्छे से इसमें मिला लेंगे बैटर में। और इसके बाद ये केक का टिन है जिसे कि हमने ग्रीसिंग कर लिया है ऑयल लगा के और बटर पेपर लगा के, उसके बाद इस पर हम जो केक का बैटर है वो डाल देंगे और इसे हल्का सा टैप कर लेंगे और इसे हम गैस पे रख देंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि केक हमारा ये देखिए ये फूलने लगा है हल्का हल्का सा। और जब ये थोड़ा सा हो जाए केक ऊपर से तो उसके बाद इस पर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हम और डालेंगे, जिसमें कि हमने ये लिया है वॉलनट और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चेरी, ये ग्रीन कलर की चेरी है तो थोड़ा सा हम इस पर चेरी भी डालेंगे और थोड़ा सा रेड वाली चेरी भी डालेंगे। और इसके बाद इसे हम ढक के रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे एक बार खोल के देख लेंगे कि ये हो गया है या नहीं। ये देखिए अभी पका नहीं है अच्छे से तो इसे हम फिर से ढक के रख देंगे। और ये देखिए अब ये हमारा केक बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर पे बहुत ही बढ़िया और एकदम स्पंजी ड्राई फ्रूट्स के साथ केक बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर और साथ में मेरे चैनल रसोई आपकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।